हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट, आरक्षण से जुड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए, भूपेश बघेल जी ने आरक्षण पर हठधर्मिता किसे संबोधित किया। जी हाँ, आरक्षण को लेकर भूपेश बघेल जी ने हठधर्मिता शब्द का प्रयोग किया है। क्या है, पहले इस वीडियो के क्लिप को देखते हैं। ये राज्यपाल के हाथ में है। मैं तो राज्यपाल से व्यक्तिगत निवेदन किया था और सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ कि बच्चों का भविष्य सवाल है, इसमें हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही EWS के 10% को स्वीकार कर लिया तो 50% की सीमा तो वही खत्म हो गया, 60% हो गया। तो वो जो 50% की सीमा जो समाप्त हो गया, तो फिर छत्तीसगढ़ की अपनी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने तो अभी आपने वीडियो क्लिप को देखा, भूपेश बघेल जी जो है आरक्षण को लेकर बार बार हठधर्मिता शब्द से प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि साथियों, देखिए, भूपेश बघेल जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण संशोधन विधेयक है, जो कि राजभवन में लंबित है, तो ये भाजपा ने किया है। इनके पीछे सिर्फ भाजपा है, जिन्होंने ये सब करवाया है उन्हीं के इशारे पर ये लंबित पड़ा हुआ है। अर्थात ये जो कांग्रेस की सरकार है, भाजपा को हठधर्मिता शब्द से प्रदर्शित किया हुआ है। उनका कहना है इतनी हठ या जिद में न रहें कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य से ही खिलवाड़ हो जाए। उनका कहना है कि अब 76% आरक्षण रोस्टर पर जो विधेयक बनाया गया है उस पर हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। ये शब्द भूपेश बघेल जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ में विभागों में 6 माह से अभी तक कोई भर्तियां नहीं हुई हैं, जिससे कि लाखों युवा बेरोजगार परेशान हैं। हम बात करें बड़े बड़े जो अधिक संख्या के पद, तो स्वास्थ्य विभाग में हजारों पद हैं, शिक्षा विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग में हजारों पद खाली है, जिनकी भर्तियां अटकी पड़ी है। और ये जो भर्ती है अक्टूबर 2022 के बाद अभी तक नहीं हो पाई है, और वजह सिर्फ एक है, 76% आरक्षण विधेयक का राजभवन में विचाराधीन होना, और यही वजह है कि भर्तियां रुकी पड़ी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है राजभवन की नजरें। अब ये राजभवन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार कर रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तब कुछ न कुछ जो फैसला है वो ले सकता है। आरक्षण की वजह से कौन कौन सी भर्तियां रुकी पड़ी है आप देख पा रहे होंगे। 975 पद सब इंस्पेक्टर के विचाराधीन 2018 से लंबित है। PSC के 2021 से 171 पद लंबित हैं। 211 पद वन विभाग में हैं। CGPH से आपका 91 पोस्ट प्यून के लंबित है। व्यापम द्वारा साइंटिस्ट की परीक्षा ली गई थी, जिसका रिजल्ट ही अभी तक जारी नहीं हुआ है। पटवारी की परीक्षा बाद नियुक्तियां रुकी पड़ी हुई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 की भी परीक्षा रुकी हुई है। और वन विभाग, देखिए, विधानसभा में भर्ती परीक्षा भी रुकी हुई है। इसके अलावा ऐसे भी विभाग हैं जिनका नोटिफिकेशन आना है और वो भी रुका पड़ा है। जैसे कि आपका आदिवासी क्षेत्र बस्तर सरगुजा में 12,400 पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के भी 250 पद पर भर्ती नहीं हो पाई है, इसका नोटिफिकेशन भी इनका जारी नहीं हो पाया। हॉस्टल वार्डन के 400 पद पर नोटिफिकेशन रुका हुआ है। लेबर इंस्पेक्टर, रिवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर नोटिफिकेशन नहीं आई है। अमीन पटवारी, जो कि सिंचाई विभाग के पद है, तो उसकी भी वैकेंसी नहीं आ पाई है। सिंचाई विभाग में सब इंस्पेक्टर की भर्तियां रुकी हुई है। इस तरह से हजारों पद जो है भर्तियां रुकी पड़ी है। दूसरी तरफ साथियों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी में आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 50% आरक्षण रोस्टर में यहां से जब भर्तियां निकल रही है, भर्तियां आ जा रही हैं, तो आखिर अन्य विभागों में क्या हो जाता है कि जिसके वजह से वो भर्तियां ही रुक जाती है। समझ
यहीं से नहीं आता समझ, यहीं पर मार खा जाती है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या चाहती है भूपेश बघेल की जो सरकार है। बड़े बड़े भर्तियों में हम तीन महत्वपूर्ण विभाग को जानते हैं जिसमें हजारों पदों पर भर्ती होना, जिसके अंतर्गत आपका देखो चिकित्सा विशेषज्ञ के 1197 पद रिक्त है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी के 216, दंत विशेषज्ञ 15 अलग अलग जो पद हैं वो भरे जाने हैं। नर्सिंग संवर्ग में 3334 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 6636 पद पर भर्ती होना है। इसी तरह वन विभाग में संवर्गीय सेवा के भी 43 पद हैं, कार्यपालिका के 1953 और लिपिक के 3000 पद रिक्त है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग और महाविद्यालयों में संचालन तृतीय श्रेणी के 3119 पद है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण, पुलिस विभाग में भी हजारों पद लंबित है जिसको भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस तरह से हजारों पदों पर भर्ती होना है जबकि 6 माह से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है और अभी तक आरक्षण संशोधन न तो विधेयक पर साइन हुआ है और न ही सरकार कम बैक ले रही है, अर्थात न तो सरकार 76% आरक्षण रोस्टर पर भर्ती कर पा रही है और न ही साथियों सरकार 50% के आधार पर भर्ती करना चाह रही है। अब इन दोनों के खेल के बीच में ये जो युवा बेरोजगार है, अब उनकी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही है, क्योंकि ये जो युवा बेरोजगार है इस भर्ती में यहाँ पर ये लोग रुक गए हैं, दोनों की वजह से यहाँ पर स्टॉप हो गया है जिससे कि भर्तियाँ ही नहीं आ पा रही है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगार के सामने सिर्फ मनःस्थिति ही और मानसिक स्थिति ही उनकी साथ नहीं दे पा रही है, मेंटली वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। अब शासन प्रशासन को भी जल्दी करना चाहिए क्योंकि अब बेरोजगार इस तरह कदर परेशान हैं कि अब चुनाव में भी वो लोग अपना निगेटिविटी दिखाने को भी आतुर हो जाएंगे। ऐसा उन लोगों का अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं ऐसे सुनने में आ रहा है। तो जो भी हो साथियों, भर्ती पर कुछ न कुछ सकारात्मक पहल भूपेश बघेल की सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।